अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड आर टू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3, इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। तो जसपाल और हरप्रीत जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे एक गली में, ठीक है। उनके घर के बाहर एक लेन है, उसके में वो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पीपल वर एडमायरिंग द डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। तो लोग, उन्होंने देखा कि लोग उस एक बिल्डिंग सी है जो ऐसी पड़ी हुई, मतलब ऐसी खाली है, उसको बच्चे क्या कहते हैं, हॉन्टेड हाउस कहते हैं कि भाई भूतिया घर है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर देखो, एक ने कहा। दूसरे ने कहा कि वुड की कार्विंग, मतलब इसमें कितने अच्छी की गई है। दूसरी विमेन ने कहा हम लोगों को मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि अरेंजमेंट किए जा सके इसकी रिपेयर के लिए, और कितना खूबसूरत ये घर है। तो बच्चों को मतलब ये हुआ कि इतनी ऐसी खराब सी चीज़ में लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे। तो स्टोरी ऑफ हरप्पा, वेरी अफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो ओल्ड पुरानी पुरानी इमारतें होती हैं उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी, कहाँ पर पहली बार हमारे देश में रेलवे जो आई थी वो 150 ईयर्स पहले आई थी। तो जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी ना पंजाब वाले रीजन में, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तो जो वहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे थे वो स्टम्बल हो गए, मतलब एकदम वो तो ना हक्के बक्के रह गए कि भाई एक हड़प्पन साइट मिली है। कहाँ पर? जो आज का टाइम में पाकिस्तान है ना, पहले देखिए पंजाब वाला जो रीजन है ना वो इंडिया में जितना है उससे काफी ज्यादा पाकिस्तान में भी आता है। तो वहाँ पर ही हड़प्पा की साइट मिली थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक नई सिविलाइजेशन मिली। जब खुदाई हुई तो पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत ही पुरानी सभ्यता, कई हज़ार साल पहले भी लोग यहाँ पर रहा करते थे। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। फिर उनके लिए क्या हुआ कि मतलब नीचे जब खोदा तो एक इतनी सारी क्या मिली, ईंटें मिली, बहुत सारी ईंटें मिली उनके लिए। तो मतलब मज़े आ गए, रेलवे के लिए ईंटें लानी नहीं पड़ेंगी, अब ईंटें ऐसे ही मिल गई। तो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो हैं उन्होंने वहाँ से निकाल ली। वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने क्या किया, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसमें से क्या करें, ईंटें निकाल ली। फिर देन अबाउट 80 ईयर्स, लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट फाउंड करी और रियलाइज किया दैट दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। कि भाई ये जो सिटी है हड़प्पन सिटी, जिसकी ईंटों से रेलवे लाइंस बनी हैं, ये तो जो सब कॉन्टिनेंट है। देखिए सब कॉन्टिनेंट का मतलब बार बार आपका यूज़ में आएगा, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा का सारा इलाका मिला करके हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कॉन्टिनेंट जो होता है ना वो एक ऐसा लैंडमास होता है जो बाकी इलाकों से अलग होता है। अब इंडिया का सब कॉन्टिनेंट ऊपर देखिए हिमालयस, बाकी सारे देशों से अलग, ठीक है, नीचे क्या है, समुद्र है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। और सब क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट के हिसाब से छोटा है बट कॉन्टिनेंट टाइप की प्रॉपर्टीज रख रहा है इसलिए। तो एज दिस वॉज फर्स्ट सिटीज टू बी डिस्कवर्ड, पहली सिटी डिस्कवर करी थी, ऑल द साइट जो हैं जितनी भी हड़प्पा की पहली सिटी मिली थी, तो उसके बाद जितनी भी साइट उससे रिलेटेड मिली सबको हम लोगों ने हड़प्पन साइट्स कह दिया। और अब जो है डिस्कवरी हुई है तो ये 4700 साल पहले की ये मानी जाती है, मतलब 4500 साल पहले बसा हुआ ये शहर था हड़प्पा। काफ़ी अफन जो है ओल्ड बिल्डिंग्स को हम लोग तोड़ करके नई बिल्डिंग्स बना देते हैं, क्या पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी है? तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, अभी जो सिटी हमारे ज़मीन के नीचे मिली थी इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात थी? काफ़ी सारी सिटीज़ जो थी वह डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स, मतलब सिटी है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी। द पार्ट, अपर वाला पार्ट, पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, मतलब ऐसे करके सिटी थी तो वेस्ट वाला साइड, सपोज करिए इधर वाला ईस्ट है, इधर का वेस्ट है, तो वेस्ट का जो पार्ट था ना वो ऊंचा था मगर छोटा था, तो इससे क्या समझ में आता है, और एक मतलब लोअर टाउन था, तो एक हायर टाउन था और एक लोअर टाउन था। जो हायर टाउन था वो ऊंचा था, छोटा था, और आर्कियोलॉजिस्ट इसको साइटेडल कह करके बुलाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि साइटेडल क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ साइटेडल। तो साइटेडल इज द वेस्टर्न एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द सिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है।
तो ईस्ट का पार्ट जो होता था लार्जर, काफ़ी बड़ा होता था बट नीचा होता था, इसको हम लोग लोअर टाउन कहते थे। ठीक है, तो वेस्ट वाला पार्ट को साइटेडल ऊंचा होता था मगर छोटा, और ईस्ट वाला पार्ट बड़ा होता था मगर नीचा होता था। वेरी अफन वहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती थी। ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए 4,000 साल बाद हमें मिली है, तो कितनी अच्छे से उनको पकाया गया होगा कि वो आज तक भी बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग का जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, और मतलब वो होता है एक को दूसरे से अच्छे से जोड़ देना, बस यही इंटरलॉकिंग का पैटर्न होता है। तो देखिए ये हमारे पास मैप है, अर्लियर सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, हम लोग को जो ये स्केच बनाया गया था, तो हमें मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी थी, मोहनजोदाड़ो, सोता कोहो और जोहान्दुआरो, गनवेरी वाला, कालीबंगन, राखी गढ़ी, हड़प्पा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है, देखिए पंजाब वाले रीजन में पड़ रहे हैं, हड़प्पा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, सोटका कोह, ये सारा का सारा पाकिस्तान में आता है ना। और गुजरात वाले रीजन में, इंडिया में धोलावीरा, सुरकोटाड़ा और लोथल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स इंडिया में आती हैं। तो धोलावीरा, सुरकोटाड़ा, लोथल इंडिया में आता है, और ये गनवेरी वाला ये हरियाणा वाले रीजन में आता है, राखी गढ़ी, कालीबंगन, है ना, और हड़प्पा तो पाकिस्तान वाले रीजन में आता है ज़्यादातर, मोहनजोदाड़ो तो पूरा ही पाकिस्तान में है। तो ये जो सिटीज़ थी ये कहाँ पर, पंजाब और सिंध के पाकिस्तान में मिलती हैं, गुजरात में मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया के पंजाब में भी मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे यूनिक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर ज़मीन में खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो ज़्यादातर हर किसी सिटी में रेड कलर की पॉटरी मिली है, मतलब रेड कलर की पॉट्स टाइप के मिले हैं जो पेंट जिन पे किया गया है ब्लैक कलर से। ठीक है, और स्टोन्स पत्थर मिले हैं, स्टोन वेट्स जैसे कि हम लोग नापने के लिए, भार नापने के लिए किलोग्राम वगैरह सब नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी तरीके से स्टोन वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। सील ठप्पे लगाने के लिए स्पेशल बीड्स, मतलब सजावट के लिए बीड्स होते हैं ना, जैसे कि माला वगैरह में जो होते हैं बीड्स, वही कॉपर के टूल्स औजार मिले हैं। और एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ब्लेड्स मतलब इस तरीके से कुछ चीज़ें काटने के लिए पैरेलल साइडेड, इस तरीके से पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। सोचिए आप लोग कि 4,000 साल पहले भी कितनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो कितने ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी साइटेडल पर। साइटेडल क्या था? वेस्टर्न सिटी थी, सिटी का वेस्टर्न पार्ट, ऊंचा पार्ट और थोड़ा छोटा पार्ट। ठीक है, तो साइटेडल में काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मोहनजोदाड़ो को लें तो काफ़ी स्पेशल सा हमें टैंक मिलता है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ, मतलब एक बहुत ही बड़ा सा टैंक जैसा मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है शायद ही किसी स्पेशल ओकेजन पे नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ये रहा था ग्रेट बाथ, बड़ा सा टैंक सा है, और ऐसा माना जाता है इसको स्पेशल ओकेजन्स में जैसे होता है ना स्नान टाइप करने के लिए कुछ यूज़ किया जाता होगा इसका। फिर बाथ के बारे में बताते हैं कि कैसा है ये बाथ। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, साइटेडल वाले एरिया में। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, मतलब साइड साइड में इसके ईंटें लगी हुई हैं। कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड विद वाटर टाइट, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। और इसको वाटर टाइट बना दिया गया, मतलब इलाका है इसमें, मतलब ब्रिक्स वगैरह हैं और इसमें तार लगा दिया गया है, नेचुरल तार लगा दिया गया है ताकि ये वाटर टाइट रहे, पानी इसमें से रिसे ना। देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू इट, आपको दिख रहा है ना, ये देखिए आप लोग इस तरीके से सीढ़ियों की हेल्प से इसमें अंदर एंटर कर सकते हैं, स्टेप्स लीडिंग टू इट जा रहे हैं। और वाटर वॉज प्रोबेबल, अब देखिए, वाइल देर वर रूम्स इन ऑल द साइड्स, और किनारों किनारों में भी चेंजिंग करने के लिए, नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स वगैरह भी बनाए गए होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से पानी लाया जाता होगा एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और फिर यूज के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ बाथ इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो हो सकता है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उस टाइम के वो इसमें बात करते हो, डिप करते हो। अदर सिटीज जो हैं, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, कहाँ पर थे कालीबंगन और लोथल, सोचिए दिमाग में अच्छे से सोचिए, और अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ थे लोथल और कालीबंगन। थोड़ी देर पहले मैंने मैप में बताया था आपको, देखिए चलिए बता ही देती हूँ। ये देखिए लोथल ये रहा है ना गुजरात वाले रीजन में, और कालीबंगन ये रहा।
लोथल कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। फायर ऑल्टर्स मतलब वेदियाँ जिसमें मतलब आग वगैरह जलाई जा सकती है, इस टाइप की। तो ऐसे माना में भी वहाँ पे बलि वगैरह दी जाती होगी। कुछ सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में एलेबोरेट स्टोर हाउसेज भी मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे स्टोर हाउसेज का मतलब सामान रखने के लिए खूब बड़े बड़े गोदाम वगैरह भी मिलते हैं। देखिए ग्रेट बात है। तो देखिए ब्रिक्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता था वॉल्स को बनाने के लिए, किस तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आता है आगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर कैसे होते थे, गलियां कैसी होती थी, और ड्रेन्स पानी रिसने की जो टेक्निक है वो किस तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती थी। जनरली हाउसेज जो हैं या तो ईदर एक स्टोरी होती थी सिंगल स्टोरी, या फिर डबल स्टोरीज होते थे। तो सिंगल स्टोरी होते थे या फिर डबल स्टोरी हाई होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड, और बीच में आंगन होता था और साइड साइड में जो कोर्ट यार्ड होता था ना उसमें जो है रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, मतलब अपना अलग बाथरूम होता था। एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, और कई बार वॉल्स नहीं सॉरी वेल्स, वेल्स होते हैं कुएं, और घरों में कुएं भी होते थे ताकि कई बार, वैसे तो कॉमन कुएं होते होंगे बट कई बार अपने घरों में भी कुएं होते थे लोगों के ताकि पानी आसानी से उनको मिल सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। कवर्ड ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ होती थी ना उनको कवर किया जाता था। देखिए आज हमारे देश में 5,000 साल पहले, मान लीजिए 5,000 साल बाद भी ड्रेन्स कवर्ड नहीं है, और उस टाइम पर होते तो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन वो रही होगी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस पे होते थे। ऑल दो यू कैन नॉट सी, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, मतलब अच्छे से स्लोप बनाए जाते थे ताकि पानी अच्छे से उसमें जा सके। वेरी अफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, मतलब जैसे कि बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनाते थे कि जो छोटे ड्रेन्स हैं ये देखिए ये साइड साइड में ये सिटी है, और ये देखिए नालियाँ निकली हुई हैं घरों के साइड साइड में आराम से, ठीक है। और फिर जो ये है स्ट्रीट इन अ मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन, ठीक है, और ये ड्रेन वगैरह ऊपर, ड्रेन का मतलब नालियाँ वगैरह होती थी जिसमें से सारा वेस्ट वाटर निकल जाता था, और फिर वो कवर्ड भी होते थे। और ये देखिए वॉल, कुआ बना रखा, वॉल नहीं वेल सॉरी। तो हाउसेस होते थे अच्छे खासे, सिंगल स्टोरी होते थे, डबल स्टोरी होते थे, ड्रेन्स भी होते थे, और इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे। ड्रेन्स कवर होते थे, इंस्पेक्शन होल मतलब कि कुछ गंदगी फंस गई है तो उसको निकाला जा सके जगह जगह पर सफाई के लिए, इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे। और ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, तो बहुत ही टाउन प्लानिंग होती थी। पहले प्लानिंग होती थी उसके बाद ही घर बसते थे, ये नहीं है कि बिना प्लानिंग के कहीं भी घर बसे जा रहे हैं। पहले प्लानिंग की जाती थी हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट्स वगैरह की, ये कैसे कैसे गलियां निकलेंगी, उसके बाद ही घरों को बनाया जाता होगा वहां पर, तभी तो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक कम्प्लीट किया है। इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं जो कि लाइफ इन द सिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर थर्ड है वो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। मैं आपको जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनकी PDF फाइल सेंड कर दूँगी, तो आप वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में हिस्ट्री पार्ट में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Keep practice, stay home, stay safe.